चोरी का एक बड़ा मामला सामने आया है जिसमें आयुध निर्माणी परिसर कटनी में 10 करोड़ से ज्यादा का मेटल स्क्रैप चोरी हो गया। इस मामले की सूचना परिसर के कर्मचारी ने पुलिस को दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आयुध निर्माणी परिसर के कर्मचारी रामानुज भट्टाचार्य ने पुलिस में शिकायत की। 10 करोड़ से ज्यादा कीमत का मेटल स्क्रैप एक साल के अंदर परिसर से गायब हुआ है। कर्मचारी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने राजीव गुप्ता, राजमणि वर्मा और अंशुमन उप्पल के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन ने बताया कि आयुध निर्माणी द्वारा स्क्रैप के बदले स्टिक बनाने का काम किया जाता है। इसके लिए निर्माणी निविदा के माध्यम से कंपनियों को चुनती है। ऐसी ही एक कंपनी है दिल्ली की, जहां गिल्डिक मेटल स्क्रैप तो लिया गया, लेकिन एक साल बीतने के बाद भी स्ट्रिक वापस नहीं दी गई है। वहीं एक साल के अंदर परिसर से 10 करोड़ से ज्यादा कीमत का मेटल स्क्रैप चोरी हो गया है। इस मामले की जांच की जा रही है। ये जो मामला है ये अपने कटनी में जो ऑर्डनेंस फैक्ट्री है उससे जुड़ा हुआ है। उसमें पूरा मामला ये है कि ऑर्डनेंस फैक्ट्री के पास जो स्क्रैप होता है उसको वो अलग अलग कंपनियों को निविदा के माध्यम से वो उसको बेचते हैं, निविदाएं आवंटित करते हैं और स्क्रैप को स्ट्रिक में बदल करके वो उसको वापस लौटाता है। ये इसकी पूरी प्रक्रिया होती है। और इसी क्रम में इन्होंने एक दिल्ली की कंपनी है जिनके साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट हुए थे और उन्होंने स्क्रैप तो ले लिया किंतु उसके एवज में जो स्ट्रिप इनको वापस करनी थी निर्माण करके वो इनको वापस नहीं लौटाया है। और कुल लगभग लगभग 10 करोड़ की कीमत का जो स्क्रैप है वो उनका जो है उन्होंने भुगतान किसी भी रूप में, मटेरियल के रूप में या कैश के रूप में नहीं किया है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।